ऐसा मंत्र बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, जो कि आज से कुछ साल बाद आप ये सोच रहे होगे कि यार आज मैं जहां पर भी हूं उस चीज की वजह से हो, जो मैंने एक वीडियो देखी थी उस वीडियो में एक बात बोली गई थी, वो बात मैं आपको बोलने वाला हूं। जिंदगी के कुछ ही रूल्स होते हैं, इस यूनिवर्स के कुछ ही सिस्टम्स होते हैं, बस केवल वही समझना होता है और वो हर जगह अप्लाई हो जाते हैं। वो है जो बात करने वाला, वो है हद पार मेहनत, वर्क लाइक हेल, 100 hours a week। अब मेरा हद पार का मतलब समझ लेना, मुझे पता है आपके दिमाग में स्मार्ट वर्क चल रहा होगा कि स्मार्ट वर्क कहाँ करना चाहिए, फिर स्मार्ट वर्क भी तो जरूरी है, मेहनत तो गधा भी करता है, ये वो पता है मुझे आपके दिमाग में चल रहा होगा। पहले मैं स्मार्ट वर्क वाला कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर लेता हूं, फिर मैं हद पार पे आता हूं जो मेरा टॉपिक है। आप स्मार्ट तरीके से सोचकर काम कब कर पाओगे? जब पहले आप हार्डवर्क करोगे तब ना। आपने हार्डवर्क करके इस दिमाग को डेवलप करा, फिर आप स्मार्ट वर्क कर पाओगे ना। किसी भी इंसान को शॉर्टकट्स का पता चलता है, किसी भी रास्ते का जब जहां भी जाना होता है उसका शॉर्टकट का पता होता है, जब एक बारी वो लंबे रास्ते से जाएगा शॉर्टकट तब पता चलेगा कि जब अरे यार ये भी रास्ता था, ये भी शॉर्टकट था, एक अननोन रास्ता है, पता ही नहीं है वो रास्ता भी है वहां पे, वो बंदा शॉर्टकट कैसे ले सकता है? तो कोई भी काम एक बारी बहुत मेहनत करेगा तब पता चलेगा कि यार ये शॉर्टकट है। स्मार्ट वर्क एक सोच है जो डेवलप होती है बहुत ज्यादा मेहनत करने से। ये काफी ज्यादा हवा में बात करने वाली बात है कि आप नींद से उठ के स्मार्ट वर्क करने लग जाओगे क्योंकि स्मार्ट वर्क मैटर करता है, ऐसा नहीं होता है। ये स्मार्ट वर्क करने की जो फितरत है, ये जो इंसान की एक आदत जो बनती है, वो आती है जब वो अपनी जिंदगी में हार्डवर्क काफी ज्यादा करने लग जाता है या काफी ज्यादा कर चुका होता है, वो जिंदगी को खेल चुका होता है, जिंदगी को समझ चुका होता है। द रीजन आई एम टेलिंग यू टू डू हार्डवर्क लाइक हेल, इतनी हद पार मेहनत करने का मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके बिना आप रिदम नहीं बना पाओगे, और जिंदगी रिदम से चलती है। देखो मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। आप अभी पढ़ाई कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, किसी के लिए काम कर रहे हो, किसी के साथ में काम कर रहे हो, कोई भी एक्शन ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी हरकत कर रहे हो, हम सबका ये मकसद होता है कि हमें वो काम करने में एक तो मजा आए और दूसरा उस काम में और आगे बढ़े। आप कुछ भी कर रहे हो तो अंदर ही अंदर एक फ्लो क्रिएट होता है। अब मेरा टॉपिक शुरू हुआ है, वीडियो यहां से शुरू हुई है। आप कुछ भी कर रहे हो तो अंदर ही अंदर एक फ्लो क्रिएट होता है। आप उस फ्लो से कितना अवेयर हो वो मुझे नहीं पता, यानी आप उस फ्लो को कितना गौर से देख पा रहे हो ये आपको शायद पता है या नहीं, लेकिन ये फ्लो आपसे क्या करवा सकता है उसकी कोई हद नहीं है। ये आपसे हद पार मेहनत करवा सकती है। इसका मैं एग्जांपल देने वाला हूं। 10 दिन आपने कोई भी काम करा, काम की जगह आप कुछ भी छोड़ दो, एक्शन वगैरह, कोई भी पढ़ाई, काम। अब 10 दिन मेहनत करने के बाद में जब 11वें दिन उसी सेम काम को करोगे तो उस काम को आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होगे, पहले दिन से तो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होगे। अगर आपने 10 दिन काम करके 7-8 दिन का गैप ले लिया, यानी कि 1 तारीख से काम शुरू करा, कोई भी काम है, 10 तारीख तक काम करा, लेकिन 11 से लेकर 18 तारीख तक काम नहीं किया, 8 दिन 7 दिन वो सेम काम नहीं किया, तो उसके बाद में आप उसको अच्छे से नहीं कर पाओगे जैसा आप 11वें दिन कर पाते। अगर 10 दिन तक किया, 11वें दिन जो कर पाते वो आप 18वें दिन नहीं कर पाओगे अगर आपने 11 तारीख से 18 तारीख तक नहीं किया। आपका फ्लो होगा लेकिन फ्लो काफी गिर चुका होगा, वो केवल 3rd-4th दिन के आसपास का जो फ्लो बना था उतना रह जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद में और इस पे गौर करो, इसको और ऑब्जर्व करो, ये बहुत ज्यादा कीमती चीज है और यही मैटर करती है किसी भी काम को करने में, फ्लो बहुत मैटर करता है। इस तरह से दिमाग हर वक्त जब आपका सोचने लग जाता है तो जिंदगी में मेहनत करने का आपको कारण मिल जाएगा, जिंदगी में हार ना मानने का आपको एक कारण मिल जाएगा। कुछ भी ठानने के बाद में, आपने कुछ भी ठाना, आपने 20 दिन उस पर काम किया, फिर 21वें दिन आप उसको करना बंद कर देते हो, तब डे बाय डे एक एक दिन करते हुए आपका फ्लो नीचे जाता जाएगा। अगर मान लो 20 दिन तक आपने कुछ भी नहीं करा, जो काम आपने शुरू करा था जिसपे ऑलरेडी आपने 20 दिन काम करा, यानी कि 40 दिन हो चुका है जिसमें से फर्स्ट 20 डेज काम करा, फिर बाकी के 20 डेज कुछ नहीं करा, तो क्या होगा कि आपको याद तो होगा काम कैसे करना है, आपके दिमाग में स्टोर तो होगा डेटा, लेकिन फ्लो टूट चुका होगा, फिर से हाथ जमाने की जरूरत है। कहते हैं ना, मुझे हाथ जमाना पड़ेगा फिर से,
ड्राइविंग हो गई, कोई गेम हो गया, पढ़ाई हो गई, बिजनेस हो गया, कोई भी एक्शन हो गया, कोई भी काम हो गया, कुकिंग हो गई, कोई भी कुछ भी, पेंटिंग, स्केच वगैरह कुछ भी हो गया, हमें कहते हैं ना कि हाथ जमाना पड़ेगा यार फिर से एक बार। मैं उसकी बात कर रहा हूं। हद पार मेहनत करने का मतलब नींद से उठकर मेहनत करना नहीं है, कि आपको पता ही नहीं है मेहनत क्यों करनी है और करे जा रहे हो। इसका मतलब है सच में अपने दिल को यह पता होना, कारण पता होना कि मुझे हद पार मेहनत क्यों करनी है। इलोन मस्क ने अगर कहा है कि वर्क लाइक हेल 100 आवर्स अ वीक एंड देन जस्ट वर्क लाइक हेल, आई मीन यू जस्ट हैव टू पुट इन यू नो 80 to 100 hour weeks every week, 100 घंटे काम करो 7 दिन में, तो वो क्यों कहा उन्होंने, वो ऐसा हमें फॉलो क्यों करना है? देयर इज अ रीजन। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो तो आप ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मुझे आप इंस्टाग्राम पर कुल मित्र सर्च करके फॉलो कर सकते हो। कुल मित्र यूजर नेम आपको नीचे कैप्शन में दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके मेरे प्रोफाइल विजिट करो, मुझे फॉलो करो। आओ कभी कुल मित्र इंस्टाग्राम पर, आपका स्वागत करेंगे मोटिवेशन के साथ। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।